चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ऐसी मशीन दिखाने वाले हैं जो सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि ये है अपने आप में एक अलग ही दुनिया। और इसे देखकर तो लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है मशीन है तो दुनिया है। आज आप दुनिया की कुछ सबसे बड़ी मशीनों को देखने वाले हैं जो कि भैया एकदम नेक्स्ट लेवल की है। जी हाँ, आज आप चौंकने वाले हैं क्योंकि ये मशीन इतने बड़े हैं कि ये आपकी इमेजिनेशन में कभी नहीं आए होंगे। तो दोस्तों, आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं यार, चलो जल्दी से जल्दी ये काम भी कर लो। हाँ, कर दिया। अरे वाह, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सफर और देखते हैं कुछ बेहद ही कमाल की मशीनों के बारे में। नंबर वन, द लार्ज हाड्रॉन कॉलाइडर इज एनॉर्मस। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा मशीन। जी हाँ, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे जमीन के नीचे फिट किया गया है। एक ऐसा मशीन है जो कि 27 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 27 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बहुत ही डेंजरस भी है, क्योंकि कहा जाता है कि ये फटा तो समझिए कि दुनिया खत्म हो सकती है। दोस्तों, दुनिया की एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी मशीन जमीन के अंदर एक बार फिर चल पड़ी है। जी हाँ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर मशीन, जिसका निर्माण यूरोपीय न्यूक्लियर रिसर्च संस्था सर्न ने किया है, फिर से काम करना शुरू कर दिया इसने। पिछली बार जब ये मशीन चली थी तो अफवाह फैल गई थी इससे दुनिया खत्म हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और महीनों इस पर काम करने के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने उस गॉड पार्टिकल की खोज कर ली है जिससे यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा बना है। कहा जाता है कि इस मशीन को ठंडा रखने के लिए तकरीबन 4 मिलियन फ्रिज का इस्तेमाल किया गया है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मशीन होगी। नंबर टू, द जायंट बकेट व्हील एक्सकेवेटर टील्स द ग्राउंड टू श्रेड्स। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं जर्मनी की एक ऐसी मशीन जिसे देखने के बाद अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, ये मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि हद से बड़ा मशीन है जिसे बनाया गया था साल 1995 में। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मशीन की मदद से किसी भी चट्टान को, किसी भी पत्थर को मिनटों में ही तोड़कर रख दिया जाता है। आपको ये भी बता दूं कि इस मशीन में 10 सबसे बड़े बकेट भी लगे हैं। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे इसमें एक तरफ से तोड़ने का काम चलता है, वैसे ही इसके बकेट में सामान को भरा भी जाता है। इसका वजन इतना है मानो कि 2000 हाथियों को जोड़कर बनाया गया हो। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक मशीन होगा। दोस्तों, वैसे भी जर्मनी मशीन को बिल्ड करने में एक्सपर्ट माना जाता है। नंबर थ्री, बर्था टनल मेकिंग मशीन। ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टनल बनाने वाली मशीन, बर्था टनल मेकर। ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से दुनिया भर में एक से बढ़कर एक टनल बहुत कम समय बनाए गए हैं। यकीन कीजिए आप, इस मशीन की मदद से पहाड़ों के बीच ऐसे ऐसे टनल बनाए गए हैं जिसे देख दुनिया के होश उड़ गए। साथ ही अगर जमीन के नीचे गड्ढा करना हो तो भी इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस मशीन का इस्तेमाल हमारे देश में भी मेट्रो लाइन बनाने वक्त किया गया था। कहा जाता है कि दुनिया के हर बड़े टनल को बनाने के पीछे इस मशीन का हाथ है। वाकई में ये मशीन नहीं है बल्कि मॉन्स्टर है। कहा जाता है कि जब ये मशीन चलती है तो उसकी आवाज से ही कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये मॉडर्न जमाने के लिए सबसे यूजफुल मशीन है। इंडिया में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि जो मशीन आपको दिखने में ही इतना विशाल काय लगता होगा, वो वाकई में कितना बड़ा होगा, क्या बात है। नंबर फोर, द प्रील्यूड ऑफिशियली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट शिप। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और सबसे बड़ी मशीन। जी हाँ, लेकिन ये एक शिप है, लेकिन काम ही इतनी करती है कि इसे भी मशीन में गिना जाता है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये लगभग 500 मीटर लंबी है और 45 मीटर ऊंचाई है। दुनिया में इससे बड़ी कोई भी कंटेनर शिप नहीं है, क्या बात है। कहते हैं कि जब एक बार ये शिप सामान लेकर निकलती है तो उस समय का नजारा देखने लायक होता है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक इतिहास है। आज तक न कभी इतनी बड़ी शिप बनी है और न ही किसी में अब हिम्मत है कि ये काम दोबारा करके दिखा दे। कई बार साउथ कोरिया देश भी कमाली करता है। नंबर फाइव, दिस माइट जस्ट बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मोटरबाइक। दोस्तों, विदेश के लोग भी अलग किस्म के होते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि फाबियो रेगियानी ने कुछ ऐसा बिल्ड किया जो कि किसी ने आज तक करके नहीं दिखाया था। जी हां, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसी बाइक बिल्ड किया है जो कि 6 मीटर ऊंची है। जी हां, साथ ही ये 5000 सीसी की बाइक है। कहा जाता है कि ये बाइक बस शो के लिए बनाया गया है, इसे चलाना किसी के बस की बात नहीं है। माना जाता है कि फैबियो रेगिनी, जो कि शुरू से ही बाइक के दीवाने रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बिल्ड किया कि बाकी सब देखते रह गए। जी हाँ, ये देखिए कैसे इन्होंने कमाल करके दिखा दिया है। तभी कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। नंबर सिक्स, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिमोट कंट्रोल रोबोट इज अ ड्रैगन। दोस्तों, ये बात तो माननी होगी कि टेक्नोलॉजी एंड मशीन में जर्मन लोगों के जैसा कोई और आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये जिस तरह से बिल्ड करते हैं चीजों को वो शानदार है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि ये सबसे कमाल के क्रिएटर होते हैं।
ये इतने बड़े डेवलपर होते हैं कि दुनिया एक तरफ और ये अकेले ही एक से बढ़कर एक चीजें बना देते हैं। आप देखिए कैसे इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन बनाया है। क्या बात है, इन्हें देखकर कहा जाएगा कि वाकई में ये सबसे कमाल की चीज है। आप खुद ही समझिए कि इसकी लंबाई 4.5 मीटर है तो इसका वजन 11 टन है। इसे देखकर ही आधे से ज्यादा लोग डर जाते हैं। नंबर 7, मीट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट द स्ट्रेटो लॉन्च। दोस्तों आपने दुनिया में फ्लाइट को उड़ते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबसे कमाल की चीज है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसा जिसे आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। जी हाँ, क्या आपको पता है कि ये डबल फ्लाइट है? जी हाँ, डबल कार्गो फ्लाइट है ये। इसकी मदद से आज कल कई काम आसान हो गए हैं। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है ये। जितना पहले एक फ्लाइट में सामान को भेजा जाता था, उतना ही अब एक ही साथ उड़ने वाले दो कार्गो फ्लाइट की मदद से ही भेज सकते हैं। कहते हैं कि पहली बार जब इसे उड़ाया गया था तब सबको लगा था कि क्या ये सफल होगा कि नहीं, लेकिन आप देखिए कैसे ये सफल हो गया। इसकी मदद से कैसे काम आसान हो गया है, मजा आ गया देखकर इसे। ये वाकई में जादुई चीज है। आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा। नंबर 8, हेलीकॉप्टर ट्री कटिंग। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर देश में पेड़ों को काटने के लिए इंसान का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर के देशों में हेलीकॉप्टर ट्री कटर मशीन का इस्तेमाल होता है। इस मशीन को देखिए, एक साथ 10 से ज्यादा ब्लेड लगे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि इस मशीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आपको बता दूं कि इस मशीन को हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर उठाया जाता है और फिर बड़े बड़े पेड़ों की शाखाओं को एक लेवल में काटा जाता है। इसे कहते हैं स्मार्ट मशीन। वाकई में इस मशीन की मदद से काम हो जाता है आसान और साथ ही साथ जल्दी भी किया जाता है। एक तो समय की बचत हो गई और ऊपर से काम भी परफेक्ट हो गया। क्या बात है, ये मशीन भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं, जनाब बताइए जरा। नंबर 9, द जायंट मैकेनिकल स्पाइडर। दोस्तों इस मशीन को फ्रांस के इंजीनियर्स ने डेवलप किए। इसका नाम है द जायंट मैकेनिकल स्पाइडर। आई होप कि नाम सुनकर ही आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह की मशीन होगी। जी हाँ दोस्तों, ये काफी बड़ी मशीन होती है जो कि जमीन को खोदने के काम आती है। इस मशीन की मदद से आप किसी भी एरिया में जमीन को 15 मिनट के अंदर खोद सकते हैं। जनरली यूरोप में जब किसी को मॉल या फिर बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना होता है तो द जायंट मैकेनिकल स्पाइडर की मदद ली जाती है। ये मशीन बिल्कुल मकड़ी की तरह दिखती है। क्या बात है, तो देखा आपने दोस्तों इस मशीन की मदद से कैसे काम को आसान तरीके से किया जाता है। नंबर 10, फास्ट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेलीस्कोप। दोस्तों चीन ने आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया। चीन इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल स्पेस रिसर्च के लिए करेगा। 500 मीटर अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप का साइज 30 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है और इसे दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइझोउ के एक पहाड़ पर बनाया गया है। इसे चीन में स्काई आई के नाम से भी जाना जाता है। चीनी एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार टेलीस्कोप की शुरुआत के लिए स्वीकृति मिल गई है। इसका निर्माण कार्य साल 2016 में ही पूरा हो गया था और अभी तक टेस्ट किए जा रहे थे। फास्ट के चीफ इंजीनियर जियांग पिंग ने शिन्हुआ को बताया कि टेलीस्कोप का ट्रायल अब तक स्थिर है। इसकी सेंसिटिविटी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टेलीस्कोप के 2.5 गुना से अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोजेक्ट के दौरान कुछ जरूरी वैज्ञानिक डेटा भी प्राप्त किए गए हैं और अगले 3 से 5 वर्षों में कम आवृत्ति वाले गुरुत्वाकर्षण लहर का पता लगाने जैसे क्षेत्रों में कुछ मदद मिलने की उम्मीद है। बता दें कि चीन के स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना बीजिंग के लिए प्राथमिकता है और देश ने साल 2030 तक एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने का लक्ष्य रखा है। नंबर 11, बिगेस्ट डंप ट्रक। दोस्तों बेलारूस ने इस ट्रक का आविष्कार किया। ये दुनिया का सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला ट्रक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रक का खुद का वजन 360 टन है जबकि ये 450 टन तक का वजन उठा सकती है। ये बाय द वे वर्ल्ड की सबसे ताकतवर ट्रक मानी जाती है। इसका इस्तेमाल कई बार एक साथ दो दो गाड़ियों को उठाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 12, रोड प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन बहुत यूनिक है। देखिए जरा इस मशीन को, कैसे इस मशीन की मदद से रोड पर ईंट लगाने का काम किया जा रहा है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो रोड पर ईंट लगाने का काम इंसानों से कराया जाता है, पर जनाब ये बेल्जियम है। इस देश के पास एक से बढ़कर एक मशीन हैं, जिनमें से एक है रोड प्रिंटिंग मशीन। ना तो रोड पर ईंट लगाने के लिए आदमियों की जरूरत और ना ही सरदर्द। मशीन में ईंट डालो और निश्चिंत हो जाओ। देखिए कितनी सफाई के साथ ये मशीन रोड पर ईंट लगा रही है। नंबर 13, दिल्ली टोर्नियो L2350। दोस्तों इस गाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जी हाँ ये मशीन है, लेकिन जिस तरह के इंसानों के लिए यूजफुल रहा है वो काबिले तारीफ है। कहा जाता है कि वाकई में सबसे इफेक्टिव कंटेनर है जिसकी मदद से एक ही साथ बहुत सारे सामान को उठाया जा सकता है। आप समझिए कि इसकी मदद से एक ही बार में सैकड़ों टन वजन के सामान को भी उठा लेता है। क्या बात है। नंबर 14, लेबरर 9800 माइनिंग एक्सकेवेटर। दोस्तों ये है माइनिंग का बादशाह। जी हाँ, इसे देखकर ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। कहते हैं कि जो भी इस मशीन को एक बार देखता है वो चौंकता जरूर है।
कहा जाता है कि इस मशीन की मदद से काम को इतनी तेजी से की जाती है कि किसी को पता ही नहीं चलता और काम भी आसानी से हो जाता है। जी हाँ, तभी तो माइनिंग फील्ड में इस मशीन की बहुत अहमियत है। आजकल सबसे ज्यादा इस मशीन का इस्तेमाल जर्मनी ही कर रहा है। नंबर 15, द नासा क्राउलर ट्रांसपोर्टर वॉज बिल्ट टू मूव एंटायर रॉकेट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नासा, जो कि आए दिन एक से बढ़कर एक रॉकेट बनाता रहता है, उसे वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? आज हम आपको बताते हैं कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप इस मशीन को देखिए, क्या बात है, ये कितना बड़ा है। इस मशीन को देखकर लगता है कि वाकई में इससे बड़ा कोई कुछ हो ही नहीं सकता। वाकई में ये मॉन्स्टर है कि नहीं? इतना विशालकाय ये नासा वाले ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बड़े और कमाल की मशीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय मेरी जान।